बच्चो अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में क्या है ये तुम ऐसे देखो प्रूफ डेट वन प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी वन प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एंड वन प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमें प्रूफ करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या है कि ये जो हमारा जो डिटर्मिनाट दे रखा है ना ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनाट है सेमेट्रिक डिटर्मिनाट बोलने का क्या मतलब है कि ये एक सेमेट्रिक मैट्रिक्स के क्रॉस बॉन्डिंग डिटर्मिनाट है देख लो सेमेट्रिक मैट्रिक्स है कैसे अगर इस डिटर्मिनाट के क्रॉसिंग मैट्रिक्स लोगे तो देख लो कंजुगेट एलिमेंट इक्वल है तो अगर सेमेट्रिक मैट्रिक्स uh, के क्रॉसबोंडिंग डिटर्मिनांट है तो तुम कोई भी ऑपरेशन इसमें रो वाइज लगाओ या कॉलम वाइज लगाओ एक ही बात है तो जनरली क्या होता है हमारा सेमेट्रिक जो डिटर्मिनाट uh, होता है उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एबीसी से मल्टीप्लाई अगर एबीसी में है ना या एक्स वाई जेड में है तो एबीसी से रो को मल्टीप्लाई कर दो और कॉलम से एबीसी निकाल लो या फिर एबीसी मल्टीप्लाई कर दो या रो से निकाल लो ये हमारा जनरल स्ट्रेटजी होता है किसके लिए सेमेट्रिक डिटर्मिनाट के लिए सेमेट्रिक डिटर्मिनाट किसे बोलते हैं सेमेट्रिक मैट्रिक्स के क्रॉस बॉन्डिंग जो डिटर्मिनाट आता है ना उसे हम सेमेट्रिक डिटर्मिनाट बोलते हैं ठीक है तो अब यहां पे देख लो हमने क्या किया कि आर वन को ए मल्टीप्लाई किया आर टू को बी से मल्टीप्लाई किया सॉरी दिस इज बी बच्चों अपने पीडीएफ में करेक्ट कर लेना और आर थ्री को क्या किया हमने सी से मल्टीप्लाई किया सी अपने पीडीएफ में करेक्ट कर लेना ठीक है और हमने रो को एबीसी से मल्टीप्लाई किया तो एबीसी डिवाइड भी करना होगा तो हमने रो वाइज रो को A से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई किया थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई किया और कॉलम वाइज एबीसी निकाल लिया तुम ऐसा भी कर सकते थे कि तुम फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करो थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करो रो वाइज एबीसी निकाल लो एक ही बात आएगा ठीक है बिकॉज जो ये हमारा डिटर्मिनाट है ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनाट है तो हमने क्या किया पहले फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो को बी से थर्ड रो को सी से तो ये हमें मिल गया और ए से बी से और सी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा बैलेंस करने के लिए अब हमने कॉलम वाइज एबीसी निकाल लिया तो कॉलम वाइज एबीसी निकालेंगे तो फिर ये जो डिनोमिनेटर में एबीसी कैंसिल हो जाएगा हमें क्या मिलेगा ये डेटा अब हमने क्या देखा कि ऐसा करने से क्या हो गया कि अगर तुम रो को एड करोगे अगर ऐसे रो को छोड़ो अगर तुमने सी वन को चेंज किया सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो ऐसा किया तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट कॉलम में यहां क्या मिलेगा वन प्लस थ्री ए स्क्वायर यहाँ क्या मिलेगा वन प्लस थ्री बी स्क्वायर वन प्लस थ्री सी स्क्वायर तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो या फिर तुम ऐसे कर लो कि सी टू को चेंज करो सी टू प्लस सी वन प्लस सी थ्री तो सेकंड कॉलम में क्या मिलेगा वन प्लस थ्री ए स्क्वायर वन प्लस थ्री बी वन प्लस थ्री सी स्क्वायर तो भी कोई कॉमन नहीं निकलेगा या फिर तुम ऐसे कर लो कि सी थ्री को चेंज करो सी थ्री प्लस सी वन प्लस सी टू तो भी थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा वन प्लस थ्री ए स्क्वायर वन प्लस थ्री बी स्क्वायर वन प्लस थ्री सी स्क्वायर कोई कॉमन नहीं निकलेगा बट अगर मैं फर्स्ट रो को चेंज कर दू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दू तो हमें फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्तर कॉमन आ जाएगा ठीक है या फिर मैं काम करू कि मैं सेकेंड रो को चेंज करूं फिर आर टू को मैं लिखू आर टू को चेंज करके आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करूं तो भी सेकेंड रो में वन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हर एक एलिमेंट बन जाएगा या फिर मैं थर्ड रो को चेंज करूं आर थ्री को चेंज करूं आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर टू कर दूं तो थर्ड रो का हर एक एलिमेंट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तुम कॉमन ले सकते हो ठीक है तो हमने क्या किया आर वन को चेंज किया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दिया इसको हमने कॉमन निकाल लिया अब फिर मैंने क्या बोला है कि अगर तुम्हें पूरे डिटर्मिन चैप्टर में अगर तुम्हें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट तुम्हें वन वन दिख जाए तो तुम क्या करो एक वन को यूज करके अगले दो वन को जीरो बना सकते हो मान लो मैंने क्या किया सी वन को चेंज किया सी वन माइनस सी थ्री कर दिया फिर सी टू को चेंज किया सी टू माइनस सी थ्री कर दिया तो ये दो जीरो हो जाए और जिस रो या जिस कॉलम में दो जीरो आ जाए उसी रो उस कॉलम से तुम डिटर्मिनाट को एक्सपेंड कर दोगे तो एक टू टू करो मिल, तो क्या क्या? तो मिल गया फर्स्ट तो रो में भी दो जीरो मिल गया तो तुम चाहो तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो सेम ही रिजल्ट आएगा तो हमने क्या किया फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर दिया तो हमें क्या मिल गया वन प्लस ए स्क्वायर ये मिला ना हमने फर्स्ट फर्स्ट कॉलम नहीं फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दिया तो ये हट गया ये हट गया तो ये चार एलिमेंट का डिटर्मिनेंट मिला इसका वैल्यू क्या होगा वन तो वन प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वन इज वन प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये प्रूफ हो गया हमारा ठीक है अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में देखो ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है ना ये एनसीआर का क्वेश्चन है इसमें एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी लिखा हुआ है ठीक है बच्चों इसमें एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखा है ए बी सी तो ये क्वेश्चन है एनसीआरटी का मैंने ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड लिख दिया तो यहाँ पे क्या दे रखा है ये डिटामिनाट लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हमें राइट हैंड साइड के इस एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूफ करना है तो ठीक है अब हमने क्या सोचा आर वन को चेंज किया मान लो हमने ये सोचा कि मैं फर्स्ट रो को चेंज कर दू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दू तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि कोई कॉमन बाहर नहीं आएगा पूरे डेटा में इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कुछ कॉमन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ऐसा कुछ करे कि कॉमन बाहर निकल जाए तो मैक्सिमम कॉमन बाहर निकलेगा ना तो डेटामिन के अंदर का जो एलिमेंट्स है ना वो सिंपलीफाई होने लगेगा तो वो इजिली इवेलुएट हो जाएगा तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या लिखा है वन प्लस सिग्मा वन एक्स, तो सिग्मा तो का वैल्यू क्या होता है वन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन अपॉन जेड तो मैंने क्या बोला कि मैंने फर्स्ट रो से एक्स बाहर निकाल लिया अगर या फिर ऐसे भी तुम देख लो सी वन को मैं चेंज करूं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री करूं तो भी ये काम नहीं करेगा सीवन में क्या आ जाएगा आ, थ्री एक्स प्लस एक्स फिर थ्री वाई थ्री प्लस थ्री थ्री प्लस वाई आ जाएगा फिर यहां क्या आ जाएगा थ्री प्लस जेड आ जाएगा तो को, कोई कॉमन नहीं निकलेगा अगर तुम करोगे सी टू को चेंज करो सी टू प्लस सी सी वन प्लस सी थ्री तो भी कुछ कॉमन नहीं आएगा अगर तुम सी थ्री को चेंज करो सी थ्री को सी थ्री प्लस सी वन प्लस सी टू करो तो भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हमने क्या किया कि रो वन से पहले रो से एक्स कॉमन निकाल लिया दूसरे रो से वाई कॉमन निकाल लिया तीसरे रो से जेड कॉमन निकाल लिया तो हमें क्या मिलेगा अगर निकालोगे तो यहां क्या बचेगा वन प्लस वन अपॉन एक्स यहाँ क्या बचेगा वन अपॉन एक्स यहाँ वन अपॉन वाई ये सॉरी वन अपॉन एक्स यहाँ क्या बचेगा वन अपॉन वाई यहाँ क्या बचेगा वन प्लस वन अपॉन वाई यहां वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड ये हमने बाहर निकाल लिया अब क्या किया इसके बाद हमने आर वन को चेंज किया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दो या फिर तुम आर टू को चेंज करो आर टू प्लस आर uh, वन प्लस आर थ्री कर दो या फिर तुम आर थ्री को चेंज करो आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर टू कर दो एक ही रिजल्ट होगा ठीक है अगर हमने आर वन को चेंज किया तो आर वन रो के हर एक एलिमेंट में वन x एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉइंटेड आ जाएगा अगर तुम आर टू को चेंज करो आर टू प्लस आर थ्री आर टू के हर एक एलिमेंट में वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉइंट जेड आ जाएगा अगर तुम आर थ्री को चेंज करो आर थ्री को चेंज करो आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर टू तो आर थ्री के हर एक रो में वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉइंट जेड आ जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया आर वन को चेंज किया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और इसको एलिमेंट को कॉमन निकाल लिया फिर हमें क्या दिखा ये 1 -1 दिख गया जैसे ही वन वन दिखा हमने एक वन को यूज करके अगले दो वन को जीरो बना दिया इस वन को यूज किया हमने तो क्या किया सी वन माइनस सी थ्री कर दिया सी टू माइनस सी थ्री कर दिया तो ये दो जीरो हो गया यहां भी ये दो भी जीरो हो गया उसके बाद हमने क्या किया फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दिया तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दिया तो ये हट गया ये हट गया ये चार एलिमेंट का डिटर्मिनाट इसका वैल्यू क्या मिल गया हमें वन तो प्रूफ हो गया हमारा ठीक है ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में ये बोल के आ रहा है कि प्रूफ करो दिस डिटर्मिनाट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनाट ठीक है तो जनरल स्ट्रेटजी क्या होगा हमारा हम सोचेंगे कि अगर हमने तीनों कॉलम स्को ऐड किया तो तीनों कॉलम स्को ऐड करोगे मान लो कि हमने कॉलम को छोड़ो अभी पहले तुम तीनों रो को ऐड करो मान लो आर वन को हमने चेंज कॉमन बाहर नहीं आएगा जैसे अगर क्यू प्लस वाई प्लस जेड यहाँ दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा सी प्लस ए प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा तो कुछ कॉमन नहीं आएगा फिर हमने सोचा कि अगर मैं वन को चेंज करूं C1 प्लस सी प्लस सी तो मजेदार चीज बन जाएगा तो फिर क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा अगर तुम C2 को चेंज करते ना यहाँ पे सी को चेंज करते C2 टू प्लस सी वन प्लस सी थ्री तो सेकेंड रो में सॉरी सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट जनरेट हो जाता अगर तुम C3 को चेंज करते C3 थ्री प्लस सी वन प्लस सी तो थर्ड कॉलम में ये वाला चीज जनरेट हो जाता तो हमने क्या किया C1 को चेंज किया C1 वन प्लस सी टू प्लस सी ये जनरेट हो गया इससे हमने टू बार निकाल दिया ठीक है टू कॉमन है फर्स्ट कॉलम में बाहर कर दिया अब हमने क्या किया सी वन माइनस सी टू कर दिया सी टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये सी प्लस ए कैंसिल हो गया आर प्लस पी कैंसिल हो गया जेड प्लस एक्स कैंसिल हो गया ये बच गया उसके बाद हमने क्या किया फिर सी थ्री को चेंज किया सी वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बी क्यूवाई चला जाएगा तो क्या बचेगा एपीएक्स फिर हमने क्या किया सी टू माइनस सी थ्री कर दिया तो ये क्या हो जाएगा एपीएक्स चला जाएगा एपीएक्स क्या बचेगा सी आर जेड बच गया अब हमने जो प्रूफ करना है उसमें देखा किधर है है फर्स्ट कॉलम में यहां क्या हमारा थर्ड कॉलम में है तो हमने थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो एक माइनस बाहर आ जाएगा तो थर्ड कॉलम कहा गया नहीं पहले यहां पे हमने सेकंड कॉलम यहां पे आ, हमने क्या किया है सी टू माइनस कर दिया है सॉरी ये आ रहा है ना हमारे पास इसमें हमने यहां पे देखो यहाँ पे हमने C2 और C3 को चेंज किया ये टू है सॉरी C2 और C3 को चेंज किया तो एक माइनस बार आ गया इसको रख रख दिया इसको ठाक रख दिया इसको ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा कि ये एपी एक्स जो है ये कौन से कॉलम में ये तो फर्स्ट कॉलम में है तो उसके लिए हमने क्या किया एपी और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो फिर एक माइनस बार आएगा जिससे ये प्लस हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा ठीक है तो देखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है अगर बोलोगे तो मैं लिख के भी सॉल्व कर दूंगा बट इसमें जरूरत नहीं है रीजन ये है कि लिखने में काफी टाइम लगेगा और यही सब लिखूंगा जो मैं समझा रहा हूं अगर तुम तो मेरे बात को ध्यान से सुन रहे हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर एटीन देखो क्या है क्वेश्चन नंबर एटीन में बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेटिक पोलिनोम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाओ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ जिसके जीरो जीरो किसे बोलते रूट को जिसके जैसे क्वाड्रेटिक मैंने एक्सप्रेशन बोला तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट हो सॉरी जीरो होता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है जैसे मैंने ऐसे बोला ना जैसे इसको नहीं देखो जैसे मैंने बोला एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इसे ही मैंने क्या बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला

फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये जो डिटर्मिनाट में दे रखा है ना ये डिटर्मिनाट जो है ना एक फंक्शन आएगा क्यों बिकॉज इसके जो एलिमेंट्स है ना वो फंक्शन में तो तो जब इसको तुम करोगे तो ये भी एक फंक्शन आएगा तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा कोडेटिक पोलिनोम बनाओ जिसका रूट सॉरी जिसका जीरो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना तो एक रास्ता क्या हम मार्ग बंद करके किसी भी रो कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे दूसरा रास्ता क्या है कि पहले इसमें कुछ डिटर्मिनाट की प्रॉपर्टी लगा के इसे कुछ छोटा कर ले शॉर्ट फॉर्म में ले आए उसके बाद इसे वैल्यूएट करे तो मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने सी वन कर दिया तो चीजें आसान हो जाएंगी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा तो हमने सी वन प्लस सी टू कर दिया तो यहां क्या हो गया वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया टू

आर टू माइनस टू आर थ्री ऐसा क्यों किया अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें सब कर दू तो ये जीरो बन जाएगा तो ये जीरो बन गया ये जीरो बन गया तो फिर मैं फर्स्ट कॉलम से वैल्युएट कर दूंगा तो यहां मैंने जीरो बना दिया ऐसा करके देख लेना आर वन माइनस आर टू कैलकुलेट कर लेना ये सब आ जाएगा और आर टू माइनस टू आर थ्री करना यह बन जाएगा उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलम से वैल्युएट कर दिया तो ये हटेगा ये हटेगा ये, हटेगा, ये चार एलिमेंट आ जाएगा इसका डिटर्मिनाट आ जाएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टू प्लस साइन एक्स ये तो जीरो हो जाएगा तो इस फंक्शन का वैल्यू हमें क्या मिल गया टू प्लस साइन एक्स सॉरी टू प्लस साइन टू एक्स अब इस टू प्लस साइन टू एक्स का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकलेगा साइन टू एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस वन से वन तो टू ऐड कर दिया तो यहां भी टू ऐड करना होगा यहां भी टू ऐड करना होगा तो टू प्लस साइन टू एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा थ्री यही तो टू प्लस साइन टू हमारा एफ है तो एफ का मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिला वन मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला थ्री तो मैक्सिमम ऑफ एफेक्ट थ्री हो गया मिनिमम ऑफ एफेक्ट्स वन हो गया अब क्वाड्रेटिक पोलिनोम को कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स इन टू एल्फा बीटा ऐसे लिखते हैं ना तो एल्फा का वैल्यू थ्री ले लिया बीटा का वैल्यू वन ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोम बना लिया ये हमारा आंसर हो गया अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीआर का क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का फर्स्ट एग्जाम्पल है शायद ठीक है

वेुएट तो बहुत आसान है ऐसे ही दिख रहा है कि अगर मैं तीनों कॉलम को एड कर दू तो एबीसी जनरेट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में तो हमने कर दिया सी को चेंज कर दिया सी वन प्लस सी टू प्लस सी अगर तुम सी को चेंज करोगे सी टू प्लस सी वन प्लस सी थ्री तो सेकंड कॉलम में एबीसी जनरेट हो जाएगा अगर तुम सी थ्री को चेंज करोगे सी थ्री प्लस सी वन प्लस तो थर्ड कॉलम में एबीसी जनरेट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तो हमने क्या किया सी वन को चेंज किया सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो हमें क्या मिला फर्स्ट कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी जनरेट हो गया ठीक है अब हमने ए प्लस बी प्लस ई को बाहर निकाल दिया तो फिर फर्स्ट कॉलम हमारा वन हो गया तो जैसे ही हमें फर्स्ट कॉलम का तीनों एलिमेंट वन दिखा तो हमने क्या किया एक वन को यूज करके अगले दो वन को जीरो बना दिया क्या बनाया हमने किया आर वन को चेंज किया कर चेंज किया आर टू माइनस आर थ्री ये बच गया अब हमने फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर दिया तो ये खत्म ये खत्म ये, ये चार एलिमेंट का डिटर्मिनाट मिलेगा ठीक है तो हमने ये चार एलिमेंट का डिटर्मिनाट ले लिया अब हमने डेल्टा क्या लिखा ए बी सी इस दो ये टू बाई टू ऑर्डर का डेटा है इसको हमने एवेलुएट कर लिया कैसे करेंगे बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इसको सोल्व किया तो ये ए बी ए बी कैंसिल हो गया ये मिल गया हमें इससे हमने माइनस बाहर निकाल लिया माइनस बाहर निकाला तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिल गया ये जो निगेटिव में टर्म्स है ये पॉजिटिव हो गया जो पॉजिटिव मेटर्म से निगेटिव हो गए फिर हमने टू से डिवाइड किया यहां टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आ गया टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी अब ये नाइन्थ क्लास में नाइन टेंथ की बात नहीं कर रहा हूं नाइन्थ क्लास में आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी ये यहां से यहां तक है ना ये निगेटिव छोड़ दो हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू माइनस टू बी सी माइनस टू सी ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है इसके इक्वल होता है कैसे हाँ। आ गया तो तुम इसको सॉल्व कर लो एक ए स्क्वायर यहां से निकालो एक बी स्क्वायर यहां से निकालो ये माइनस टू ए बी यहां से निकालो तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर यहां से निकालो और माइनस टू बी सी यहां से निकालो तो ये बन जाएगा ठीक है तो ये फाइनल हमें डेल्टा का वैल्यू मिल गया अब तुम देखो ध्यान से ए बी सी क्या है पॉजिटिव एंड अनइक्वल तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो ये पूरा पॉजिटिव है वन अपॉइंट टू भी पॉजिटिव है तो वन अपॉइंट टू इन टू ए प्लस बी प्लस सी ये पूरा पॉजिटिव हो गया ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जीरो नहीं ये जीरो नहीं ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं है ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो तीनों का सम पॉजिटिव तो ये माइनस को छोड़ दो यहां से हाफ से लेके यहां तक ये पूरा पॉजिटिव उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिए ये निगेटिव हो गया तो डेल्टा निगेटिव हो गया डेल्टा किसके इक्वल था इस डिटर्मिनाट के इक्वल था तो ये डिटर्मिनाट का वैल्यू निगेटिव हो गया बस यही है ठीक है अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में